दूसरे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सुपरस्टार सनी देओल एक बार फिर से सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 की अनाउंसमेंट की गई थी। अब इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। एक्शन ड्रामा फिल्म लाहौर 1947 में सनी देओल के साथ काफ़ी टाइम बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आने वाली हैं। सनी देओल और प्रीति जिंटा आखिरी बार 2018 में रिलीज हुई फिल्म भैयाजी सुपरहिट में एक साथ नजर आए थे और अब लाहौर 1947 में भी एक साथ नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म में आमिर खान का कैमियो रोल हो सकता है। एक्टिंग के साथ साथ आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की शूटिंग कई दिन पहले स्टार्ट हो गई थी और अब एक दो महीने में ख़त्म भी हो जाएगी। सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा इस फिल्म में शबाना आजमी, मोना सिंह भी लीड रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा मेन विलेन के रोल में अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आएंगे। करण इस फिल्म में जावेद का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म लाहौर 1947 अगले साल 26 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। लाहौर 1947 के अलावा सनी देओल बॉर्डर 2, गदर 3, सफर और बाप जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। इसके अलावा सनी देओल नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में हनुमान जी के किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों, सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।